विजयनगर रोड पर गुरुवार रात को एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हुई, जबकि स्कूटी सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घायल महिला को उपचार के लिए अमृत कौर में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के शव को एकेएच की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। शुक्रवार सुबह सदर थाने के दीवान सुखराम चौधरी ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार हेतु शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की। जानकारी के मुताबिक साकेत नगर निवासी विकास पुत्र मुकेश नाथ गुरुवार देर रात को साकेत नगर निवासी श्रीमती काजल पत्नी अंकित जैन के साथ एक स्कूटी पर सवार होकर विजयनगर रोड से साकेत नगर की ओर आ रहा था कि इस दौरान विजयनगर रोड पर सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके कारण स्कूटी सवार श्रीमती काजल जैन और विकास नाथ गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को अमृत कौर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर विकास नाथ को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल श्रीमती काजल जैन को उपचार के लिए भर्ती किया। चिकित्सकों ने मृत विकास नाथ के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। सदर थाना पुलिस को सूचित किया गया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर शुक्रवार को मोर्चरी पहुंचे सदर थाने के दीवान सुखराम चौधरी ने परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के शव सुपुर्द किया। चार पाँच 2023 को समय करीब 10:30 नेशनल हाईवे नंबर 8 पर विजयनगर रोड पुलिया के पास विकास नाथ और उसके साथ काजल जैन दोनों अपनी स्कूटी से जा रहे थे, तो सामने से मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाने से एक एच ब्यावर लेकर गए, जहां विकास नाथ की को मृत घोषित किया डॉक्टर साहब ने और काजल का इलाज चल रहा है। विकास नाथ का पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा दिया गया है।